यहाँ हम चांद के बाद अब सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, इसरो चांद के बाद सूरज की तरफ जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान की आजादी के दिन ये क्या हो गया, और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान की आजादी और भारत की अर्थव्यवस्था पर TTP ने क्या बयान दे दिया, जानेंगे पाकिस्तान की आजादी कैसे बहुत सारी चीजें लेकर आई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो जनरल मुनीर, इनको सुनने के लिए दुनिया बैठी थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश का आजादी का दिन था और ये क्या कहना चाहते हैं ये जानना बहुत जरूरी था। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। इन्होंने दावा किया कश्मीर उसी तरह से आजाद होगा जैसे पाकिस्तान 76 साल पहले हुआ था। इन्होंने इस बात को भी कहा कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। वैसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान में भारत का डर भी साफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है, और हम जानते हैं कि कैसे इनसे अपनी रक्षा करनी है। डर भी लग रहा है और मनोबल भी बनाए रखना है, तो जनरल मुनीर ने ये बातें कही। हालांकि आपको बता दें, जनरल मुनीर ने इस बात को भी माना कि हाल फिलहाल में सेना के खिलाफ लोग दो टुकड़ों में बट गए थे। खैर, जनरल मुनीर वाला हिस्सा था। अब बुर्ज खलीफा में क्या हो गया कि बहुत सारे पाकिस्तानी बड़ी बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे थे। दुबई में है बुर्ज खलीफा, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का तमगा हासिल है। यहाँ पर 2,716.5 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तान की बड़ी वाली बेइज्जती हुई है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है हर साल। और आपको बता दें, बुर्ज खलीफा ऐसा नहीं है, पहले कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान का 75वां आजादी उत्सव था, तब बुर्ज खलीफा में इस तरीके से पाकिस्तान के झंडे को दिखाया गया था, और पाकिस्तान उस समय बड़ा चौड़ा हुआ था कि चलो हमारे झंडे को यहाँ बुर्ज खलीफा में लगाया गया। लोग भी खुश हुए, पाकिस्तानी लोग भी बड़ा आनंद मनाकर यहाँ से गए थे, और इनकी मीडिया हाउस ने भी इस चीज को बताया था कि देखो इतना ऊंचाई से हमारे झंडे को दिखाया गया और हम इस चीज से बेहद खुश हैं। हालांकि आपको बता दें, 2019 में इसी झंडे को बुर्ज खलीफा ने उल्टा दिखला दिया था। जब ये उल्टा दिखलाया गया था, तब ये आरोप लगने लगे थे कि ये सब कुछ भारत ने करवाया है। वैसे भी वहाँ पर जो कुछ भी होता है, बहुत जल्दी आरोप लग जाते हैं भारत के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उस वक्त इस तरह की कुछ खबर निकल कर आई थी कि देखो हमारे झंडे को उल्टा दिखा दिया है। 2017 में ऐसे दिखलाया था और 2019 में ये उल्टा दिखा दिया। तब ये भी कहा जाने लगा कि ये जो उल्टा दिखाया है, क्या इसमें भारत का हाथ है? UAE में पाकिस्तानी झंडे के साथ बुर्ज खलीफा में ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा सोचिए, 2019 का समय, UAE, सऊदी अरब, ये दोस्त हैं पक्के वाले पाकिस्तान के, वहाँ पे भारत भला क्या करेगा? खैर, ये तो पुरानी बातें हो गई, नई बात करते हैं। अब इस नई बात में ये देखने को मिल रहा है कि इस जश्न के मौके पर लोग यहाँ बिल्डिंग के पास पहुँचे थे और इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे सैकड़ों पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे, और मौजूद होने के बाद भी यहाँ झंडे को नहीं लगाया गया, और बुर्ज खलीफा की तरफ से बिल्डिंग पर पाकिस्तानी झंडा लगाने से कहा गया कि साफ मना कर दिया गया। दुबई से इस घटना का जो वीडियो ट्विटर पर आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि वहाँ रहने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी इमारत के आसपास इकट्ठा है। ये सभी लोग मुल्क की आजादी का जश्न मनाने के लिए आधी रात को ही बुर्ज खलीफा पहुंच गए थे। ये सभी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाए जाने से काफी नाराज और गुस्से में थे। कहा जाता है कि आधी रात को भी सैकड़ों पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा के पास अपने देश का झंडा लगने का इंतजार कर रहे थे। वो इस उम्मीद में नजर आ रहे थे कि बिल्डिंग उनके राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन होगी। इस पूरी घटना को एक महिला ने अपनी मोबाइल पर रिकॉर्ड किया, और इस महिला को ये कहते हुए सुना जाता है कि समय अभी 12:01 हो गए हैं, मगर दुबई वालों ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पर नहीं लगाई जाएगी, यही हमारी औकात है। हालांकि आपको बता दें,
महिला ने ये भी कहा कि पाकिस्तानियों के साथ तो प्रैंक हो गया, हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ ये देखकर हैरान है कि बुर्ज खलीफा में पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इस बात को लेकर उल्लेख भी किया जा रहा है। अब बुर्ज खलीफा में क्यों नहीं फहराया गया और यूएई ने क्यों ऐसा किया ये तो यूएई ही जाने, पर हाँ अब हमें भी देखना होगा कि हमारा झंडा यूएई की इस बुर्ज खलीफा में आता है या नहीं आता है। ये जो मौका था ना, इस मौके में ऐसा लगता है जैसे सारे मिल के पाकिस्तान को धोने के लिए ही तैयार हैं। टीटीपी कौन है? पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है जो आजकल पाकिस्तान की सेना को जहां मन तहां वहां धो रही है और पाकिस्तानी सेना इससे परेशान होकर अफगानिस्तान जाती है, तालिबान से मदद मांगती है, कभी चाइना से मदद मांगती है तो कभी अमेरिका से, क्या वो मिलकर इसको साफ करते हैं? उस टीटीपी ने बड़ा ही दुर्लभ है उसने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी देखो, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हमारी सेना ही हमारा सारा माल खा जा रही है, पाकिस्तान कभी भी अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे हालातों के बीच में। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें टीटीपी ये कहते हुए बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान के कई इलाकों से भी ये खबर निकल कर आई है कि ब्लैक डे मनाया गया है, काला दिवस मनाया गया है। कुल मिलाकर ये कहें तो ये आज़ादी का उत्सव इस बार पाकिस्तान के लिए बड़ा फीका फीका रह गया है। जहाँ पाकिस्तान इन सारी चीजों में उलझा हुआ है तो वहीं इसरो ने चौंका दिया है। अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 के बाद इसरो की नजर आसमान में सूरज के ऊपर है और कहा जा रहा है कि एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही एक स्पेस क्राफ्ट रवाना होगा और वो होगा सूरज के लिए। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है आदित्य L1 का स्पेस क्राफ्ट जल्द ही रेडी होने वाला है, कहा जा रहा है इसे भेज भी दिया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में और जल्द ही ये प्रोजेक्ट सूरज के लिए लॉन्च होने जा रहा है। हमारे पड़ोस में जहां बहुत तरह की समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं तो हमारे घर में भी है, पर उन समस्याओं को हल करते हुए भारत आगे की तरफ देख रहा है न कि पीछे की तरफ। सूरज एक रहस्य है और उस रहस्य की तरफ बढ़ना बहुत ही बढ़िया कदम है। खैर आपको क्या लगता है, क्या हाल फिलहाल के सालों में हमने अंतरिक्ष की तरफ आगे बढ़कर एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।